Hello students, we will start today continuous charge distribution. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअल एज ए ब्रिज की तरह काम करेगा कि सो फार अभी तक हमने जो पढ़ा है दैट मीन्स कूलम्स लॉ फोर्सेस फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये सब चीज़ें हमने अभी तक सीखी है और इवन दो मतलब मैंने जैसे लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं दैट मीन्स जिसको हमें गाउस लॉ में इम्पोर्टेंटली यूज़ करना है सो गाउस लॉ जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेस्ड है और उसमें भी हमें मतलब मेन इम्पोर्टेंट टास्क जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है क्लियर है. तो कूलम्स लॉ में पर्टिकुलर हमने अभी तक सीखा है कि फोर्स किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं इवन दो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मतलब सिंगल चार्ज हो पॉइंट चार्ज हो मल्टीपल चार्जेस हो बहुत सारे चार्जेस हैं तब भी डाइपोल है उसके लिए भी तो फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि मतलब हम किसी भी चार्ज की वजह से कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड या दूसरे चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स आसानी से फाइंड आउट कर रहे हैं. वो इसलिए है क्योंकि अभी तक हम जो चार्ज के साथ डील कर रहे हैं वो डिस्क्रीट चार्ज हैं. डिस्क्रीट चार्जेस है मतलब फिक्स्ड वैल्यू वाले चार्जेस हैं जिसका हमें पता है कि दैट मीन्स इस पॉइंट के ऊपर नेट चार्ज इतना है क्लियर है. तो अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जिसका नेट चार्ज इजीली हमको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दैट मीन्स उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं. तो ये चीज़ें ईजियर है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमें जो डील करना होता है हमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डील करना होता है. कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज इज देयर कि मान ली एक स्पीयर है अब इस स्पीयर के ऊपर बहुत सारा चार्ज रखा गया है. अब उसमें ऐसा है कि इतने पूरे चार्जेस को कंसिडर करना आसान नहीं है इजिली और इवन दो पर्टिकुलर उसमें हम अगर पहले छोटा सा एक पोर्शन ले स्पीयर का और उसमें कितना चार्ज है जिसको आइडेंटिफाई कर ले तो उसके बाद फिर पर्टिकुलर उसको समेशन करना पड़ेगा हमको और समेशन करने के बाद उस स्पीयर के ऊपर टोटल नेट चार्ज कितना है वो पता चलेगा. तो अगर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन वाला है तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर कुछ अलग रास्ता लेना पड़ता है. तो हम डिस्क्रीट वैल्यू तक का नहीं चलता. डिस्क्रीट वैल्यू मतलब आपको मैं जैसे बता रहा हूँ कि आप फॉर्मूला में K Q1 Q2 / R² फॉर्मूला लगाया फोर्स फाइंड आउट हो गया दो चार्जेस के बीच में तो वो दोनों चार्जेस की वैल्यू एग्जैक्ट फिक्स डिस्क्रीट है फिक्स है सो आपको पता है. इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे ढूंढना है पॉइंट चार्ज की वजह से K Q / R² फाइन क्लियर है. तो ये सब ईजियर है लेकिन अगर आपके पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है कि मतलब नियमित विद्युत भार वितरण है कंटिन्यूस तो उसमें पर्टिकुलर नेट चार्ज कितना है या किसी भी पोर्शन के हिसाब से कितना फोर्स लगेगा ये सब फाइंड आउट करने के लिए हमें पर्टिकुलर जो चाहिए वो चार्ज डेंसिटी चाहिए विद्युत भार घनता चाहिए जिसकी वजह से हम फर्दर आगे यूजफुल चीज़ें कर सकते हैं. जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इसके बाद हमें पर्टिकुलर नो डाउट गाउस लॉ पे ही जाना है. सो गाउस लॉ स्टडी करने के बाद गाउस लॉ के एप्लीकेशन है तीन क्लियर है. सो तीन एप्लीकेशन जो हैं वो तीनों एप्लीकेशन में चार्ज डेंसिटी यूज होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो तीनों को यूज़ करना है. तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो गाउस लॉ के एप्लीकेशन जो हैं जिसमें ये चार्ज डेंसिटी यूज़ होने वाली है उसके बारे में ही है. सो हमें पर्टिकुलर चार्ज डेंसिटी आसानी से पता चले. सो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर विद द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो जैसे मैंने बताया कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट चार्ज नहीं है बराबर क्लियरली अभी बता रहा हूँ डिस्क्रीट चार्ज मतलब आपके पास फिक्स्ड वैल्यू का चार्ज होता है जिसको डिस्क्रीट वैल्यू कहते हैं फिक्स्ड अमाउंट क्लियर है. पर अगर चार्जेस कंटिन्यूस हैं क्लियर है तो मतलब फिर पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना उस कंटिन्यूस चार्ज की वजह से तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर काफ़ी लॉन्ग डेरिवेशन मतलब एडिशन करना पड़ेगा ड्यू टू सिंगल चार्जेस. जैसे पर्टिकुलर यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की गई है. सो ये लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस के बारे में. तो यहाँ पे कंटिन्यूस पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर है. अब इस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करनी है बराबर तो नेट चार्ज पता होना चाहिए बराबर. बट ये कंटिन्यूस है क्लियर है तो मुझे इसकी वजह से ऐसे कंटिन्यू एन नंबर ऑफ चार्जेस आ गया. सो एन नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से एडिशन करने में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होगी मतलब
क्रूड हो जाएगा मेथड, क्लियर है। सो इसीलिए हमारे पास अब जो है वो है चार्ज डेंसिटी का टॉपिक है, जिससे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम देखेंगे फॉर्मूला के थ्रू आगे आगे जाते जाते, क्लियर है। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का, उसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। वी हैव थ्री कैटेगरी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये तीनों चीज क्या है कि अगर वन डायमेंशनली स्टडी कर रहा हूं मैं, कोई मेरे पास एक लाइन है जिसके ऊपर चार्ज रखा गया है, अब ये सिंगल लाइन के ऊपर जो चार्ज है तो इसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, क्लियर है, कि किसी एक लाइन के ऊपर जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो वो मेरा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमारे पास एक सरफेस होना चाहिए, स्फेरिकल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, या किसी भी शेप का सरफेस होना चाहिए। उस सरफेस के ऊपर जो चार्ज है दैट इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उस सरफेस पे चार्ज किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एंड देन आफ्टर पर्टिकुलर थ्री डायमेंशनली, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू डायमेंशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वन डायमेंशन है, एंड फाइनली वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थ्री डायमेंशनल है। दैट मीन्स कोई भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, जिसके ऊपर नेट चार्ज जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है टोटल, क्लियर है, तो वो चार्ज का पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो टोटल आएगा दैट इज अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है। तो मैं इसमें आपको लेक्चर में एक लीनियर चार्ज डेंसिटी को पूरा डिटेल में समझा दूंगा, बराबर। उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो दोनों की फॉर्मूला लिखी है मैंने, लेकिन उसका डेरिवेशन आप इसके हिसाब से ही कर सकते हैं, सो यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ, क्लियर है। सो आप ध्यान रखिएगा, तो हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है। तो जैसे मैंने बताया कि एक लाइन है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए हैं कंटिन्यूस, इट गोज ऑन, क्लियर है। अब इस पॉइंट के ऊपर एक चार्ज क्यों रखा है मैंने, और इसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, या फिर इस सब की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अगर वो मुझे ढूंढना है, तो अगर मैं पुरानी मेथड लॉन्ग मेथड से जाऊँ कि ये पॉजिटिव चार्ज तो सब की वजह से एक एक फाइंड आउट करूँ, सो नो डाउट एडिशन लंबा हो जाएगा और मेथड काफ़ी जटिल हो जाएगा, क्लियर है। सो हमने क्या किया है इसमें पर्टिकुलरली, कि हमने इसका डेंसिटी फाइंड आउट किया है, कि दैट मीन्स पर यूनिट डिस्टेंस पे एकम अंतर में कितना विद्युत भार आया हुआ है, पर यूनिट डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है, बराबर। कि अगर एग्जाम्पल देता हूँ कि 10 मीटर के अंदर 10 कूलम चार्ज है, 10 कूलम हमें पता है बहुत बड़ा चार्ज है, लेकिन जस्ट समझने के लिए ले रहे हैं कि 10 मीटर लाइन इंट्री है और उसके अंदर 10 कूलम चार्ज आया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पर मीटर के हिसाब से 1 कूलम चार्ज है, तो ये हुआ उसका पर्टिकुलर डेंसिटी, क्लियर है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब रेखीय विद्युत भार घनता। तो इसकी जो है अगर मैं डेंसिटी फाइंड आउट कर लूँ, क्लियर, तो मेरे को काम आसान हो जाएगा। सो उसी के लिए हम पर्टिकुलर स्टार्ट करते हैं कि मान ले कि लैम्ब्रा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है। सो हमारा यहाँ पे सिंबल जो है लैम्ब्रा, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए यूज़ किया जाता है, सो लैम्ब्रा इज इक्वल्स टू आएगा टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ, क्लियर है। कुल विद्युत भार कितना है टोटल, और टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ। सो टोटल चार्ज क्यू बाय एल, दैट्स लैम्ब्रा की ये नॉर्मल फॉर्मूला है, क्लियर है। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं, तो मुझे पता है कि मैंने जो बोला है कि सर अगर पता ही है टोटल चार्ज कितना है, क्लियर है, तो फिर हम पर्टिकुलर डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड आउट ना कर सकते, नहीं, लेकिन हर एक के वापस किया थोड़ा पोजिशन वैक्टर भी डिफरेंट है, क्लियर है। तो ये प्रॉब्लम है, और दूसरा क्या है कि ये तो उसका जनरल फॉर्मूला है, हमें जो यूज़ करना है उसके बाद फॉर्मूला यूज़ करना है ये, क्लियर है। तो हमारा पर्पस ये है कि हम पहले करेंगे ये, उससे ये मिल जाता है, ओके है। तो लैम्ब्रा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ। तो अब मुझे पता ही नहीं है कितना चार्ज है, आई डोंट नो व्हाट इज द नेट चार्ज, क्लियर है। सो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी लाइन इंटीग्रल को, पूरे लाइन को एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। 11th स्टैंडर्ड से सीखा है हमने कि अगर कोई बड़ी सिस्टम के बारे में स्टडी करना है आपको, तो उसका पर्टिकुलर एक छोटा सा आइडेंटिकल हिस्सा स्टडी करिए, और बाकी सब हिस्से विस्तार से ही डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, ताकि उसका फिर एडिशन समेशन अगर कंटिन्यूज है तो आप उसको सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्लियर है।
तो मैंने वही किया है कि एक स्मॉल लाइन एलिमेंट ले लिया है जिसकी लेंथ है dl, तो मतलब ये पूरा जो भी लेंथ l का है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा निकाल लिया है जिसकी लेंथ है dl, और इसके अंदर अगर चार्ज जो है वो dq जितना है, क्लियर है, तो इसके अंदर चार्ज कितना है dq जितना, टोटल चार्ज का छोटा सा पार्ट dq जितना है, तो डेंसिटी क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू dq बाई dl, जो पूरे चार्ज और पूरी लेंथ के लिए हो सकती है वही चीज वापस इतनी सी लेंथ में उतना ही चार्ज होगा, क्लियर है। हाँ, पर इसमें ये मैंने जो कंसिडरेशन किया है उसमें कैसा है कि इस पूरे पोर्शन में लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म हो मतलब हर एक पोर्शन का डेंसिटी सेम ही है, नो चेंज। हाँ, अगर से अलग हो तो फिर आपको हर एक हिस्से की डेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इतने पोर्शन की डेंसिटी क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है, लाइक दैट वे। बट जनरली हम इस चीज़ों के साथ ज़्यादा हम डील नहीं करते हमारे कोर्सेज के अंदर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ही चल रही है, क्लियर है, सो नॉट टू वरी अबाउट दैट वन। सो इसीलिए तो ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के हिसाब से मैंने लिया कि भाई अगर dl जितनी लेंथ है उसके अंदर अगर चार्ज मैंने फाइंड आउट कर लिया कितना है dq जितना, सो ऑब्वियस है कि वो उसकी डेंसिटी है। अब ये डेंसिटी है फाइन, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म होने की वजह से सब जगह सेम डेंसिटी होगी, तो dq इज इक्वल्स टू वापस मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू dl। तो अब मैं यहाँ से नेट चार्ज ढूंढ सकता हूँ कि नेट चार्ज कितना होगा। अब मुझे खाली इसको इंटीग्रेट करना है कि अगर मैं dq का इंटीग्रेशन करूँ, दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ लैम्डा dl, सो लैम्डा जो है उसकी डेंसिटी है एंड dl उसकी लेंथ है, तो वो हम पर्टिकुलर टोटल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। अब अगर आपको ये dq मिल गया है छोटा सा पार्ट, तो फिलहाल पर्टिकुलर इतने पार्ट की वजह से यहाँ पे फोर्स q चार्ज के ऊपर कितना है वो आइडेंटिफाई करना है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q ड्यू टू द स्मॉल चार्ज एलिमेंट dq। तो ये dq जितना पार्ट था उसकी वजह से यहाँ पे फोर्स कितना है वो होगा df जितना, कितना होगा df, सो df इज इक्वल्स टू k q dq, तो दो चार्जेस q dq अपॉन इन दोनों के बीच का सेपरेशन r माइनस r डैश द होल क्यूब इंटू पोजिशन वैक्टर डिरेक्शन के लिए r माइनस r डैश। तो ये फोर्स मिल गया है, ये मुझे क्या बताएगा, फोर्स इस q चार्ज के ऊपर किसकी वजह से, स्मॉल पार्ट dq जिसका लाइन एलिमेंट जो है dl जितना है। तो अब सर नेट फोर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यस द नेट फोर्स ऑन चार्ज q इज f, सो f फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आया ना फोर्स इतने से पार्ट की वजह से, अब इसको पूरे को इंटीग्रेट कर दीजिए लाइन इंटीग्रल, क्लियर है। सो यहाँ पे मैंने लिया है दिस इज अ लाइन इंटीग्रल df, तो जो तुम्हारे पास df था उसका इंटीग्रल k q dq अपॉन r माइनस r डैश द होल क्यूब इंटू आर माइनस आर डैश, ओके के क्यू आउटसाइड कॉन्स्टेंट टर्म है, क्लियर है, डी क्यू बाय आर माइनस आर डैश द होल क्यूब। अब ऑब्वियस है डी क्यू का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर जो है नहीं हो सकता, सो अब हम क्या करेंगे, डी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट की है हमने कि डी क्यू क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल्स टू हमारे पास लैम्बडा डी एल है, सो दैट आई रिटर्न दैट डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्बडा डी एल है, तो अब उसकी वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे, सो के क्यू आउटसाइड इंटीग्रल में लैम्बडा डी एल अपॉन आर माइनस आर डैश द होल क्यूब आर माइनस आर डैश, क्लियर, ये सब कॉन्स्टेंट टर्म्स है, लैम्बडा के साथ लाइन इंटीग्रल होगा मतलब डी एल का इंटीग्रेशन होगा, आपको टोटल लेंथ मिल जाएगी, यू विल गेट द नेट फोर्स, फोर्स मिल गया फाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हो, फोर्स डिवाइड बाय यूनिट चार्ज मतलब वो फोर्स की जो वैल्यू आई है उसको वापस क्यू से डिवाइड कर दीजिए, सो यहाँ डिवाइड बाई क्यू करेंगे आपको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगी ये कंटिन्यूस चार्ज की वजह से। सो ये जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है। गाउस लॉ के जो तीन एप्लीकेशन है उसमें पहले एप्लीकेशन में हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे, उसके बाद जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे, एंड देन आफ्टर थर्ड केस के अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे, क्लियर है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको ये समझ में आए, क्योंकि गाउस लॉ जो है उसी बेस पे चलेगा, आपको डेंसिटी पता नहीं है लीनियर या सरफेस या वॉल्यूम, दैट मीन्स यू कांट क्रैक दिस वन, आप इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, गाउस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, क्लियर है। हाँ, एज फार एज डिस्क्रीट चार्जेस है आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिस्क्रीट चार्ज नहीं होंगे, कंटिन्यूस चार्ज होंगे, क्योंकि गाउस लॉ एप्लीकेशन जो है असिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट लॉन्ग इन्फिनिटी वाले जैसे होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है, क्लियर है। तो जैसे ही लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने समझा, सेम वे सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बोलेगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल सरफेस एरिया,
टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल लेंथ, वन डायमेंशनल था, ये टू डायमेंशनल है, दैट मीन्स सरफेस इंटीग्रल करेंगे. टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल सरफेस एरिया, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए, टोटल एरिया, क्यू टोटल चार्ज है, कूलम पर मीटर स्क्वेयर, कूलम पर मीटर एंड कूलम पर मीटर स्क्वेयर. तो इसका भी सिंपली आपको पता होना चाहिए, जैसे इसमें डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्बडा डी एल था, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल है, सो डी क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी ए. डी ए जो है छोटा सा एरिया है, कि फॉर एग्जांपल हम कोई यहाँ पे बॉडी है, अब उसमें से एक छोटा सा पोर्शन मैं निकालता हूँ ये, और इसका एरिया, ये पूरा एरिया ए जितना होगा, तो इतना से एरिया अगर ये डी ए जितना है और इसके पास चार्ज डी क्यू जितना है, सो डी क्यू इज इक्वल्स टू ऑब्वियस है सिग्मा इंटू डी ए, क्योंकि पूरी बॉडी इसी तरह से सिमेट्रिकली बनी हुई होगी. क्लियर है? सो ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी. क्लियर है? एंड देन आफ्टर वी हैव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सिंपल, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया था, टोटल लेंथ था, तो अब टोटल वॉल्यूम है q डिवाइड बाय v, यूनिट आएगा कूलम पर मीटर क्यूब. फाइन, dq इज इक्वल्स टू रो dv. रो जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल है. क्लियर है? सो दिस ऑल वी हैव डन इट. क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, आपको ये पता करना आना चाहिए कि पहले से छोटा सा पार्ट जो लेके हम उसमें से चार्ज कितना है वो आइडेंटिफाई कर ले, फिर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं. क्लियर है? सो ये चीज़ को बेटर और समझने के लिए मैं नेक्स्ट पर्टिकुलर जो है इसके बेसिस के ऊपर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके आऊँगा और आपको मतलब रिप्रेजेंट करूँगा. तो मैं कुछ नेक्स्ट टाइम जो है वीडियो लेक्चर वो न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे, क्योंकि मतलब आपको ये क्या अप्लाई करना आना चाहिए. थियरी समझ में आती है लेकिन अप्लाई करना नहीं आएगा तो प्रॉब्लम रहेगा गॉसस लॉ सीखने से पहले. क्लियर है? सो नेक्स्ट टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सॉल्व आउट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. क्लियर? थैंक यू वेरी मच.